अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक और गुड वाइब्स विद हुसैन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद हमारा फिर से ब्लॉग आ रहा है। हम ईद के लिए मुंबई आए हुए हैं थे, तो कहीं जा रहे हैं घूमने, तो सोचते हैं फिर से ब्लॉगिंग चालू करने का डेली का। तो अब जा रहे हैं हम लोग गाँव चौपाटी सब फैमिली के साथ घूमने के लिए। अब नीचे उतरते हैं और देखते हैं, ओला मंगाए हुए हैं और उससे जाएंगे। और सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। तेवा से ईद है आज आपको सबको, आप सबको तेवा से ईद मुबारक हो गई। हमारे पे अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी भी फर्स्ट डे ही हो चुकी है। और अब हम जा रहे हैं चौपाटी और नीदा और मोहम्मद भी है साथ में, फुल फैमिली है साथ। पहुँच चुके हैं हम लोग चौपाटी और हमारे साथ में है नीदा भी। नीदा भी आप सबको हाई करेगी आप, लेकिन नीदा का मूड नहीं है लगता हाई करने का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। निदा के तो मुंह में से गले में से आवाज़ नहीं आती है, आवाज़ बैठी है थोड़ी फ़िलहाल निदा की। काफ़ी सालों बाद हम लोग चौपाटी पे आ रहे हैं। निदा तो बीच में आई थी, लेकिन मैं तो काफ़ी साल, कम से कम 10 साल के बाद मैं चौपाटी पे आ रहा हूँ। काफ़ी क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, एकदम रेनी क्लाइमेट है, पूरा क्लाउडी क्लाउडी है। और सनसेट तो दिखेगा नहीं क्योंकि पूरा मौसम बारिश का है। और इधर सब पूरा आने का है और इधर बैठ भी सकता है। तो मम्मी लोग को उधर बिठा के इधर आए हैं बूटा कॉर्न लेने के लिए। और काफ़ी सालों के बाद मैं कॉर्न भी खाऊंगा, जो रोस्टेड कॉर्न रहता है, अमेरिकन कॉर्न स्वीट लगता है, वो ले रहे हैं। और निदा को पूछते निदा कब खाएगा, तुमको अपना वो जो था क्या बोलते हैं, बॉयल वाला हो तो वहाँ पे खाते हैं। बॉयल वाला था, ये वाला पता नहीं, तो खाते ही है कुवैत में अक्सर। अब काफ़ी सालों के बाद निदा भी ये कॉर्न टेस्ट करेगी। क्लाइमेट लेकिन बहुत अच्छा, क्लाइमेट लेकिन बहुत सुपर क्लाइमेट है। और ये क्लाइमेट में कॉर्न भी खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। मोहम्मद अपने दादा के साथ में इन्जॉय कर रहे हैं, सबको इधर सता के डाले मट्टी उड़ा के। हम लोग ने बूटा लेके आए, लेकिन बूटे में ऐसा कुछ पहले के जैसा टेस्ट नहीं है। और देखो मोहम्मद की मस्ती बढ़ रही है। अमुदी अमुदी आए, दादा के साथ में अपने इन्जॉय कर रहे हैं एकदम। मुद्दी एकदम फुल एंजॉय कर रहे हैं सबके ऊपर, इधर जो भी बैठे उनके ऊपर मट्टी उड़ा रहे हैं। और अब छोड़ेंगे तो मट्टी का अटैक हो जाएगा सबके ऊपर। अब दादी की मारी सबको सता रहे। ओ देखो अन्ना ने क्या बनाई, ओ देखो ओ देखो ओ देखो देखो अन्ना ने क्या बनाया। जल्दी 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 जाओ। मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह काफी एंजॉय खाए भी, मुंह में भी डाल रहे, मुझे पूरी हालत कर दी। चौपाटी के बाजू में ठकरा रेस्टोरेंट बोलते वेज, तो उधर हम डिनर के लिए जा रहे हैं। ठकरा से हमें कैद किया जाए क्योंकि कैद में भी है ठकरा। इधर का डाइनिंग काफ़ी डेकोरेट अच्छा किया हुआ है। ठकरा में ये जो रेस्टोरेंट, इसके बाजू में चौपाटी के बाजू में ये, तो हमने वेज खाना तो खाना था, तो हमने मंगाए हरा भरा कबाब और ये है जलेपेनो सिगार, ऐसा कुछ है। न्यू कुछ ट्राई करो और आपको ये रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करते हैं। आप लोग ने स्टार्टर तो देखे, स्टार्टर काफ़ी टेस्टी था। और अब है मेन कोर्स में है वेज कढ़ाई, ये है वेज कढ़ाई और ये है पनीर मसाला, उसको भी टेस्ट करते हैं। और साथ में बटर रोटी, बटर तंदूरी रोटी और प्लेन तंदूरी रोटी भी। लास्ट रिफ्रेशमेंट के लिए हमने मंगाया है मोजीटो, जो कि हमें बहुत पसंद है। और फुल ग्लास भरा हुआ है और टेस्ट भी करके आपको बताते हैं कैसा है टेस्ट। काफ़ी हर चीज़ अच्छी है इधर की, आपको देख सकते हैं। इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है, सिंपल है और शान।
तुम्हारा रिव्यू है इस रेस्टोरेंट के बारे में? 3.5 की, लेकिन काफ़ी अच्छा टेस्ट और चीज़ में अच्छा जो मैंने दही कड़ी मंगाए थे वो बहुत मीठी जैसे थी, गुजराती लोग की गुजराती मुझे तो भी अच्छा लगता। लगन जब भी एंट्री का तभी बाहर का एंट्रेंस का तो लिए थे नहीं रेस्टोरेंट का, तो अब आपको बता दें कुछ इस तरीके से नॉर्मल एकदम साइलेंट एटमॉस्फेयर वाला रेस्टोरेंट है चौपाटी के एग्जैक्ट जस्ट एकदम बाजू में पैरामाउंट रेस्टोरेंट के ऑपोजिट में, एग्जैक्ट ऑपोजिट में। भाई मैं आजकल खुद की फोर व्हीलर रहना ज़रूरी है, हम लोग काफ़ी टैक्सी वाले को पूछ रहे मजगांव बोल रहे तो नहीं शायद तो मजगांव नहीं दुबई ही जाएंगे, तो एक टैक्सी वाले को हमने पूछा दुबई आएंगे तो वो भी हंसने लग गए। चौपाटी के बाहर ही खड़े टैक्सी का रास्ता देख रहे, टैक्सी ढूंढ रहे थे हमारे एरिया में कार भी नहीं ले सकते। हाँ हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम हमारे एरिया के लिए कार भी नहीं ले सकते क्योंकि पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है हमारे एरिया में। अभी एक टैक्सी वाला है उसको पूछते हैं हम लोग, टैक्सी पूछे उसको नहीं देखे, ये भी टैक्सी वाले पाँच टैक्सी वाले को पूछे तो मजगांव नहीं है, देखिए टैक्सी है देखिए चलो 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 नहीं वो भी नहीं। काफ़ी जिद्दोजहद करने के बाद टैक्सी मिली है, वो भी अंकल से एक डील हुई है कि आप ब्रिज पे से जाएंगे क्योंकि पे बहुत ट्रैफिक है लंबा ब्रिज बनाने के लिए। नहीं अंकल की भी बात सही है क्योंकि ट्रैफिक बहुत है जेजे पे, तो हम लोग जो वीटी का ब्रिज है माइकला में जो कि उतरता है वीटी से जो स्टार्ट होता है वो ब्रिज से जाएंगे। एक दो साल के बाद काफ़ी तो मैं पीछे आया था लेकिन तब तक चालू नहीं हुआ था, लेकिन जो कि आप मरीन लाइन पर आप आएंगे तो पूरा रोड सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ डेवलप हुआ है, आप देख सकते हैं ये मरीन लाइन पर अंडरग्राउंड रास्ता बना है जो वर्दी जाने के लिए, और ये है जिम खाना, काफ़ी बहुत कुछ चेंजेस हो गए इधर मेरे। आ चुके हैं हम चौपाटी जाके घर पे और इस व्लॉग को हम अब यही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा ज़रूर, तो इस व्लॉग को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और इंशाल्लाह जब तक हम इंडिया में हैं तो काफ़ी व्लॉगर रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। तो चलो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।